दोस्तों आज के मैच केकेआर वर्सेस गुजरात टाइटंस में गुजरात की हार के बाद में कप्तान रहे राशिद खान ने इंटरव्यू में थोड़ा सा इमोशनल होते हुए बताया कि उन्होंने जीत जो है वो लगभग तय कर ली थी, लेकिन रिंकू सिंह ने आखिरी ओवर में आकर सब कुछ पलट कर रख दिया। राशिद खान ने बताया कि ये उनकी गलती है कि वो सही से लास्ट का जो ओवर है उसे टैकल नहीं कर पाए और उनकी वजह से गुजरात टाइटंस हार गई है। आपको बता दें कि राशिद खान ने आज ही के मैच में हैट्रिक विकेट्स लेकर सभी को चौंका कर रख दिया था और तब लग रहा था कि कोलकाता की पूरी टीम हारने वाली है, लेकिन दोस्तों रिंकू सिंह ने आखिरी ओवर के अंदर 5 छक्के लगाकर कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत दिलवा दी। कोलकाता को आखिरी ओवर में 28 रनों की ज़रूरत थी, लेकिन वहां पर स्ट्राइकर एंड पर मौजूद थे रिंकू सिंह और यहां पर जो है छक्के लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला था। इसके बावजूद भी रिंकू सिंह ने लगातार 5 छक्के लगाकर आखिरी ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए जीत दर्ज करवा ली। और इसी के बाद में दोस्तों गुजरात टाइटंस के बॉलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा निराश और इमोशनल नज़र आए और वो ग्राउंड में रोते हुए भी दिखाई दिए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया था रिंकू सिंह को आउट करने का, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए थे।